ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या मोदी सरकार वक्त से पहले चुनाव करवाने जा रही है? क्या इस साल के अंत में चुनाव हो जाएंगे? क्या जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद आम चुनाव हो जाएंगे? दोस्तों, इस बात का इशारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, मगर उनके बयान से इतर उससे अलग आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सरकार जो है संसद का विशेष सत्र बुला रही है 5 दिनों के लिए। वहां पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन होगा। यही नहीं, एक देश एक चुनाव उसको लेकर बाकायदा एक समिति बनाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है चुनावों को लेकर। हर एक कदम जो उठाया जा रहा है उसका मकसद कहीं ना कहीं चुनावों से। इसीलिए यह बात कही जा रही है कि चुनाव होने वाले हैं और वक्त से पहले होने वाले हैं, और अगर चुनाव वक्त से पहले हो जाते हैं तो इससे पता चलता है कि मोदी सरकार किस तरह से डरी हुई है इंडिया गठबंधन से। वो नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन को अपने पांव पसारने का मौका मिले, संभलने का मौका मिले। मोदी सरकार इस बात को लेकर भी डरी हुई है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी लोकप्रियता घटती जाएगी। और मोदी सरकार को सबसे बड़ा डर इस साल के अंत में 5 राज्यों के चुनावों को लेकर है। अगर उन 5 राज्यों में मोदी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर 2 राज्य भी हार जाती है तो यकीन मानिए लोकसभा चुनावों के लिए ऐसी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब नीतीश कुमार ने इस बात की ओर इशारा किया है। कल देर रात मुंबई से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से इस बात की ओर इशारा किया। क्या कहा नीतीश कुमार ने, आइए सुनते हैं। अच्छा रहा, मीटिंग हो गया और सब लोगों ने बातचीत की और मिल करके सब कुछ तय हो गया है। और आज उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी भी, इसलिए आप सब लोगों को तो मालूम है, बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों का बहुत तेजी से हम लोगों को काम करना है, और केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा। वन नेशन की बात हो रही है, स्पेशल सेशन बुलाया गया है लोकसभा का, क्या आखिर ये क्या हो रहा है भाई? तो लोकसभा का बुलाया जा रहा है, तेरे को मतलब समझ रहे हैं ना? लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में। आपकी मंशा, आप जो संकेत दिए थे वो तो लग रहा है कि फलीभूत हो रहा है। वही तो बता ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी डिमांड पूरे तौर पर करना ना चाहिए कि भाई जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार? आज आज बोलिए ना, हुआ भी 2020 में ना होना था, जाति आधारित नहीं करता अलग बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं ना किया है, हो गया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दरअसल नीतीश कुमार जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं, उनके बहुत से सोर्सेज है बीजेपी के अंदर, इसीलिए वो तमाम बातें कह पाते हैं। इसीलिए अगर आज नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं या ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बतला दूं, कल पटना में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई चुनाव करीब आ रहे हैं और मोदी सरकार जो है एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, तो तेजस्वी यादव ने पलटवार किया तंज कसते हुए और कहा कि एक देश एक चुनाव के बजाय बात कीजिए एक देश एक आय की। किस तरह से तंज कसा तेजस्वी यादव ने, आइए सुनते हैं आपके स्क्रीन पर। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का ख़त्म कर देंगे।
फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। दोस्तों हो क्या रहा है मैं आपको बतलाता हूं, हो ये रहा है कि विपक्ष के तेवर उग्र हैं। इसके अलावा अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रक्षात्मक मुद्रा में हैं और राहुल गांधी भी अपने हमले तेज कर रहे हैं, लगातार हमले तेज कर रहे हैं। कल मुंबई में उन्होंने तमाम पत्रकारों को बताया कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी इंडिया के तमाम घटक दलों में, और इस मौके पर वो अडानी को नहीं भूले। और हर बार जब राहुल गांधी अडानी का जिक्र कर रहे हैं तो किसी के पेट में जोरों से दर्द हो रहा है, कराह निकल रही है। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से तंज कसा आपके स्क्रीन्स पर। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई, पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि एक बिलियन डॉलर पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है, नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। दोस्तों मैं ये तो नहीं जानता कि इंडिया गठबंधन कमाल कर पाएगा ये नहीं, मगर एक बात तय है, उनकी तरफ से कोशिशें बदस्तूर जारी हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और कम से कम शुरुआत जो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, शुरुआत पटना से हुई, फिर बेंगलुरु और अब मुंबई। मुंबई में चीजें जो हैं वो ज्यादा खुली हुई दिखाई दे रही हैं। कल 3 चीजों का ऐलान किया गया, पहला कि जहां तक संभव हो सके सीट शेयरिंग हो, दूसरा चुनावी रैलियों पर बात की जाए, और तीसरी बात जो अपनी बात रखना चाहेगा घटक दलों में उसके लिए बाकायदा जो है एक समिति बनेगी जहां मीडिया स्ट्रैटेजी जो है वो जाहिर की जाएगी, और नारा होगा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, यानी कि नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं, आदित्य ठाकरे ने कहा। उन्होंने क्या कहा दोस्तों आइए सुनते हैं। आज इंडिया पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशन पारित करे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के दिखाता हूं। पहला रेजोल्यूशन ये है कि वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली एंड कंक्लूडेड एट द अर्लीस्ट इन अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। दूसरा रेजोल्यूशन ये है, वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू ऑर्गेनाइज पब्लिक रैलीज at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. Aur teesra resolution ye hai, we the India parties hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of judega bharat jeetega india in different languages. Thank you. Jai Hind. Magar aapne ek cheez par gaur kiya hoga, आदित्य ठाकरे यहां पर कह रहे हैं कि जहां तक हो सके सीट शेयरिंग संभव हो, और यहीं पर इंडिया गठबंधन के अंदर जो विरोधाभास है वो सामने उभर कर आता है, और होना भी चाहिए क्योंकि देखिए वामपंथी दलों और ममता बनर्जी के बीच पश्चिम बंगाल में समझौता हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कांग्रेस
अपनी जमीन तलाश रही है, वो कैसे समझौता करेगी अरविंद केजरीवाल के साथ। और दोनों के बीच में जो एक फर्क दिखाई देता है कि जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से गायब है दिल्ली में, वहीं लोकसभा चुनावों में आपको पिछली बार याद होगा सभी सातों की सातों सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर जाकर आम आदमी पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देखते हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं। मगर जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो आम आदमी पार्टी कहेगी देखो विधानसभा में हमें 63 सीटें मिली हैं या 60 सीटें मिली हैं, जितनी भी सीटें उनको मिली हैं। कांग्रेस पलट कर कहेगी नहीं 2019 की लोकसभा चुनाव देखो। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो पेचीदगी बने हुए हैं। इसलिए आदित्य ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि जहां तक हो सके वहां तक सीट शेयरिंग हो। तो चुनौतियां बेहिसाब हैं, ऊपर से अगर मोदी सरकार जल्द चुनाव करवा देती है तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार फैसला जनता को करना है, ये जनता को देखना है किस तरह से मुद्दों को भटकाकर अनर्गल मुद्दों की तरफ देश का ध्यान खींचा जाता है। मगर ये तो संगोल युग का भारत है, ये तो होता रहेगा ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।